यहाँ कर ग्राम देवता ना जोहार करत हो, यहाँ कर जो हमार गांव का देवता रहते उनके प्रणाम करत हो, और का संगे संगे हमार सब दाऊ मन, दीदी मन, भैया मन और हमार सभी कोई यही में हमार रिश्ता भी जुड़ जाते भाई। गोड़ घराना हो ही पड़ते कोई के मर काम सब रहते ना, तो हमार सब रिश्ता जुड़ जाते। एक संगे बोल देते हो मोर सासू हो ही, देवरानो जेठान लागी, कोई चाचियों लागी, मौसियों लागी, ठीक है ना। तो सबो जिला मोर तरफ से जोहार है और प्रणाम है। हमरे ठूठी झरिया में आयन और हमर संगे भैया एक गांव का कहानी ला बताई। मोर आवाज का है कि जब से टिकट के घोषणा हुई से तो भाषण देहत थोड़ा सा दब गई से, तेई से मैं सोचे इतना दूरी है बैठे आ तो माइक में सबके सुनाई जाए, सुनाओ था ना बढ़िया। हाँ तो हमर भैया मंडल अध्यक्ष, लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष हमर भैया अक्षय तिवारी भैया जी और हमर भैया चंद्रदेव जी, जो इनकर से पहले भी भेंट करे का आए रहे टिकट नहीं भेटाल रहे, तब वो भैया घर चाय वाय पिए रही। हमर चंद्रदेव भैया किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हैं हमर भैया, जजावर का बूथ अध्यक्ष मालिक होते हैं भैया बूथ अध्यक्ष हमारे जजावर के, और भैया वो बीडीसी, हाँ बताएंगे यहाँ तो बीडीसी रह चुके हैं और बहुत सक्रिय हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और हमारे संगे आए हैं विक्रम जी युवा मोर्चा से और हमारे यहाँ कर सब लोग, और हमारे विजेंद्र जी भी आए हैं काजू, है ना। और यहाँ कर हमारे जो ये बूथ के ये गाँव के जो हमारे कार्यकर्तागण जो मेहनत करते हैं और अपन लगन से भारतीय जनता पार्टी ला आप मन विजय दिला था, वो में हमर धनसाय सिंह विके भाई, हमर सुकुल राम जी, फूलचंद जी, सिबोचनी महिला प्रभारी सिबोचनी दीदी कौन है, अच्छा तुम्हें लागे दीदी सिबोचनी, और कम राम खिलावन, कमता सिंह, मंगल सिंह, धीरन राम, आप मन के सबो जन के बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमके समस्या सब मैं सुने अच्छे भैया भी बताई ना, गांव में बहुत समस्या रहे, रास्ता में कहानी बतावत रहे कि बहुत दिक्कत रहे गांव में। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री हमारे पैकरा भैया बहुत अच्छा काम करी कि आप मन पर ये लाइट और रोड की व्यवस्था कराए, एक बार उनके हृदय से हमर तरफ से भी धन्यवाद है और आप मनला भी धन्यवाद है, कहेंगे आप हम सब फूल छापला मान था जान था, और फूल छाप ही एक ऐसा छाप है कमल फूल छाप जो गरीबन के सेवा करे वाला छाप है। आप मन सोचा कि 2003 से हमर सरकार फूल छाप कर बनी पहली बार, ओकर से पहले 2001 और 98-99 2000 उतने पूरा गिनदा तो कांग्रेस का सरकार रहा, 60 साल से कांग्रेस सरकार पूरा देश दुनिया में राज करी, लेकिन कभी भी गरीब जनता के चिंता कांग्रेस यहाँ नहीं करे। कांवर 2003 से पहले हमरे कहा करत रहे, हमरे सावा कोदो मिझरी यही अपन उगाई और खाई, पेट भर दाना भी नसीब ना होवे, और हमरे खुदी खरीदत रहे, खुदी खरीद खरीद के वो जमाना में 12 रुपया किलो खुदी खरीदे ना दाऊ सब खरीदे ना, सबके पता है खुदी खरीद खरीद के हमर जीवन यापन होत रहे। हमर गांव का लड़का मन जाए, हमर चचा मन, हमर भैया मन बाहरी काम करे जाए तो जब पैसा दिचो कमा के आते तो पैसा हर हमर कहाँ जाती सेठ महाजन ठे जमा हो जाती, काबर कि खुदी खरीद खरीद के अपन जीवन यापन कर रहे। लेकिन जैसे हमर भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी, हमर मुखिया डॉक्टर रमन सिंह बनी कमल फूल छाप से 1 रुपया किलो चावल कर योजना चलाई और हमर गांव के करीब मन ला 35 किलो चावल घर घर पहुंचाई ना। तो 2003 से हमके गरीब मन के पेट भर राशन मिलना चालू हो गई, ओकर बाद से जो हमर राशन मिलत रहे आज ये स्थिति हो गई से, उस समय बढ़िया फ्रेश चावल मिलत रहे 2018 तक, और 2018 में यहाँ छत्तीसगढ़ में बन गई पंजा के सरकार, और दिल्ली में हमर है फूल छाप के सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार। और हमर मोदी जी के सपना है कि हमर गांव के गरीब मन पर बढ़िया खाए बर बढ़िया रहे, उमन के पेट भर भोजन मिले, दुनिया उमन के काम मिले ताकि उमन का जीवन स्तर ऊंचा उठे, उमला बाहरी कमाए न जाना पड़े, और हमर
जो गांव के लोग हैं वो कच्चा मकान बना रहे हैं। बरसात कर दिन में हमारे कच्चा मकान है चुहे लागते, बड़ी परेशानी होते। हमर दीदी मन दाई मन पानी ला झोंक झोंक के बाहर फेंके पड़ते, हमर घर है पूरा गीला हो जाते, कपड़ा भीजे लागते होते न ताई। लेकिन हमर मोदी जी आप मन के दुख ला समझ के आप मन पर पक्का के मकान भेजे रही हैं। लेकिन एक कांग्रेसी या भ्रष्ट सरकार अभी भैया बताओ तो चंद्रदेव भैया कि ओला में मन बंद कर दी, एक से बंद कर दही कि भाई थोड़ा सा बजट नहीं दे सकत रहे। उमर के तब मेन मकसद ये रहे कि प्रधानमंत्री आवास बनबे ना करे, अगर प्रधानमंत्री आवास बन जाती तो मैं लिखा जाते प्रधानमंत्री आवास, तो मैं आप मन ये सोचता कि हमला कमल फूल छाप, हमके कमल फूल छाप कर सरकार है पक्का का मकान दही से, तो आप मन कर मन जुड़ जाती, जुड़तीस कि नहीं। कोई पक्का मकान फूल छाप दही तो आप मन के मन में आस्था तो हो ही ना जाए। जैसे रोड ला पैकराजी बनवाए दही ने तार ला फूल छाप के सरकार रहे तो आप मन कर लगाव होगी होइस ना। तो यही से वो चाहत रहे भूपेश बघेल कि गांव में कोई फूल छाप कर नाम लेने वाला ना रहे। एकर से अच्छा है कि जितना हमर ए पंचायत में 350 है तो नहीं तो 50 या 100 पक्का मकान जरूर लिस्ट में होगी। लेकिन उमन एला बने नहीं रही, तो मैं आप मन से वादा करे आए हूँ दाई मन दीदी मन और भैया मन हमर दाऊ मन कि जैसे मोला आप मन चुनाव में जीतई हो तब तत्काल आप मन कर पहला काम करूं कि आप मन कर खाता में प्रधानमंत्री आवास का पैसा तत्काल जमा तत्काल। और हमर भगवान से सब कोई विनती करा कि हमर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बन जाए। मैं विधायक बन जाऊं तो सरकार जब हमार बन जाही ना तो हमके सेवा करे में आसानी होगी। सरकार भी बनना बहुत जरूरी है आप मन कर सेवा करे बर। और आप मन सब समस्या ला बताए हैं कि तेंदू पत्ता तोड़े ही बतावा तेंदू पत्ता वालन का। मैं अपन गांव में जब बीडीसी रहूं मैं 2003-04 में तो वहां भी ऐसा दलाल भ्रष्टाचारी प्रबंधक रहते हैं कि क्या करते हैं कि गरीब मन कर पैसा ला काट लेते हैं। वो चेक में पैसा देवे तो 50-50, 100-100 रुपया पहले घूस ले बता रहे। हमारे गाँव के बाद बतावत हूँ आसनडी तुरफा गुटरू गाँव है, सब सुने हुए हैं मुर्गिया लंगड़ी सब। वो क्या करे ना कि पैसा काट ले, पैसा काट लेता ही तो का हुई इसकी मोटे शिकायत करें बेटी सी रहूं मोटे शिकायत करें कि देखो हमारे इतना इतना पैसा काट ले होता प्रबंधक। मैं तत्काल होकर शिकायत करेंगे और शिकायत करके मैं इतना होकर मैं जा करके सीधे सीएफ ऑफिस में चल गए अंबिकापुर, वहां जाके आवेदन लगाए कि गांव का गरीब का पैसा हमें लूटा था, छात्रवृत्ति तक नहीं दे रहे लेखा मन के, अब तो बंद हो गई से कांग्रेस सरकार में उस समय मिलत रहे। इतना हल्ला करें कि ओला बुलाए बुलाए के पैसा बांटना पड़े प्रबंधक ला। अब प्रबंधक आके कोड़े गिरे लागे कि मुला कैसे हो बचावा, मैं मोर नौकरी चल जाए, मैं नहीं बचाऊंगा। गरीब के जो पैसा खाते हैं उनके मुख सख्त नफरत होते, गरीब के मेहनत के पैसा बतावा धूप में पत्ता तोड़ते है, पूरा घर दूरा छोड़ के बेचारा धूप में लड़का छुआ मन घरे दीदी मन छोड़ के चल जाते पत्ता तोड़े है। तो ओके भला बतावा पैसा ला खाते उनके लाज नहीं लागे। कौन आदमी है पैसा खाए गई से वो जेल से जरूर गई से, लेकिन ओकरे जमीन जगह बेचवा के आप मन कर पैसा देवाए तो प्रयास करूँ, कहूँ कोई नियम लगावा लेकिन ओकर पैसा ला गाँव वालन का वापस करावा, मैं प्रयास करूँ। ठीक है, अपन तरफ से जरूर कोशिश करूँगा। पैसा खा लेने से जेल जाने से भुगतान नहीं हुई, जो खाई से ओला वापस करवावा है ना। पता नहीं वो समय आप मन मोला नहीं बताया, नहीं तो मैं ओकरो उपाय करे रहते। अब कहा है कि मैं वार्ड ऑफ नगर थोड़ा हो जाते ना तो ये सब समस्या पता नहीं चल पा रहता है। आप मन एक बार मौका देवा एक एक समस्या पे आप मन कर नजर रही और आप मन कर एक को रुपया कोई ना खा पाए। और आप मन के जितना भी शोषण चलत है ना तहसील में जनपद में छोटे छोटे काम पर, इसे भैया बताई ना कि कब्जा आप मन के है पट्टा कोई और के, तो वो कभी ना हो पाए, मैं कभी ऐसा हो ना देना। अगर ऐसा कर दे करैया मन के जेल भेजवा हूँ वो मन कर दिमाग का ठिकाना हो जाए। अगर पट्टा बनल हो ही तो मैं आप मन कर साथ देवर तैयार हूँ, जेकर जमीन है जेकर कब्जा है उकरे दे। आप मन कभी अपन कब्जा से मत हटिया, अगर कोई आके बोले कि मैं पट्टा बनवाए हूँ तो मोला बताइया ओकर मैं फिर दिमाग ठिकाना करूँ है ना, ऐसा कभी नहीं हो पाई। और आप मन कर सेवा करे बर आए हूँ, आप मन कर बहु बेटी लागू सरपंच हूँ। कभी दाई हमन कहत रहे कि पेंशन नहीं बनी से, मैं सरपंच हूँ अपन गांव में कैंप लगवा लगवा के पेंशन बनवाए हूँ।
जेकर अगर वो में गड़बड़ी होते जैसे डॉक्यूमेंट में जैसे 2011 के सूची में नाम नहीं रही, आधार कार्ड में उम्र कम बढ़ रही, उकरे नहीं बने इन तो मैं सब कर खोज खोज के अपन गांव में जब से बीडीसी बने वही गांव में मैं बीडीसी रह के सेवा कर रहा हूँ। तो मोर दूसर गांव में मैं सरपंच हूँ और मोर निवास मुढ़िया में है, मैं पगल गाँव में सरपंच बने, मोर घरों नहीं है, तब वहाँ का मने सब जितवाई कि ये काम अच्छा करत है बीडीसी रही से देखे सरपंच बना दे जाए। सरपंच बने के बाद का होते जेके मन करियो के हेडपंप दे सकत थी, जेके मन करियो के प्रधानमंत्री आवास लिस्ट में नाम है अपन प्राथमिकता में दे सकत थी, है ना, बहुत सारा तमाम सुविधा देकर अधिकार हो जाते। तो सरपंच बन के अपन गांव पर सेवा करत रहे, जिला अध्यक्ष बन के पार्टी कर सेवा करत रहे, संगठन के काम करत रहे, और वकील बन करके जनता के समस्या ला करीब से देखे हो कि हमारे भाई मन कितना परेशान होते, और ये कांग्रेस सरकार में रकबा काट देते तो हमारे गांव का किसान मन वहाँ तहसील कार्यालय में पैसा ले लेके भटकत रहते कि हमारे रकबा ला बढ़ाए दे, गोबर का खाद जबरन का देवत है भैया बताओ।